अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और गट पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि गट पर आपकी 70% इम्यूनिटी, आपके 90% मूड और 100% आपकी सेहत का इन्हिसार है। तो गट स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, फ्लॉटलेंस, इस सब के हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से दो रीजंस जिनको मैंने आजकल एड्रेस करना शुरू किया हुआ और जिस पर मैं बात करती हूँ, वो है आपके पास कि अगर पेंक्रियाज में आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बन रहे, और अब एक बड़ा पॉपुलर सप्लीमेंट है जिससे लोगों को, खासकर कि मेरे क्लाइंट्स को बहुत फायदा हासिल हो रहा है, दैट इज अ मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स, पेंक्रियाटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स। पेंक्रियास बेसिकली आपके पास वो ऑर्गन है आपका जो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत, जिसमें आपकी 90% डाइजेशन होती है, उसमें जो एंजाइम्स जाने होते हैं उस डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो आपकी डाइट के तीन मेजर मैक्रो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हजम करने के लिए, उनको भी उसमें रिलीज करता है। जैसे ही फूड स्टमक से बाहर निकलता है, पेंक्रियास एंजाइम से निकाल देते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, खाने को डाइजेस्ट करो, ताकि जो फीसेज और स्टूल है वो ठीक तरह बने, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होने हैं डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान वो हो, और जिनको निकलना है वो निकले। अब गट, क्योंकि गट डिसऑर्डर्स इतने वास्ट हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा पेशेंट्स, क्लाइंट्स खुद भी, आप लोग सब जो मुझे सुनते हैं, जो सब मेरे क्लाइंट्स नहीं बनते हैं या बन सकते हैं, तो उनको पता लग जाए कि उन्होंने वो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि कहीं उनके पेंक्रियाटिक एंजाइम्स का इशू तो नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप कभी वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी से डायग्नोज हुए हैं, दूसरा जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कहीं कभी वाइटामिन K डेफिशिएंसी से तो डायग्नोज नहीं हुए हैं, क्योंकि पेंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं उसकी डाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए इन विटामिन्स के लिए। तीसरा जिस चीज का आपने ख्याल रखना है कि क्या बहुत फाउल स्मेलिंग, बदबूदार स्टूल तो नहीं है, बहुत बल्की स्टूल तो नहीं है। चौथा जिस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स तो नहीं है। पांचवा जिस चीज का ख्याल रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद बहुत ज्यादा फुलनेस तो नहीं फील होती, फौरन नहीं, 2 घंटे बाद। अगला जिस चीज का ख्याल रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद एकदम से तो नहीं पेट फूल जाता, बहुत ज्यादा फ्लॉटुलेंस तो नहीं हो जाती, ब्लोटिंग तो नहीं हो जाती, नौजिया तो नहीं शुरू हो जाता। और नेक्स्ट जिस चीज का ख्याल रखना है, कहीं एंकल्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग तो नहीं रहती। अगर इन 7 सवालों में 0 से 3 तक आपका स्कोर आता है, इसका मतलब है कि कोई और रीजन हो सकती है और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की इनसफिशियंसी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 से 7 के बीच स्कोर आता है, तो इसका मतलब है पेंक्रियास एंजाइम ठीक तरह सिक्रीट नहीं कर रहा, आपकी विटामिन के, विटामिन B12 और इस ब्लोटिंग की वजह पेंक्रियास के एंजाइम्स की कमी हो सकती है। और इसका इलाज ये है कि आप इसके सप्लीमेंट्स बाजार से लें, अच्छी सप्लीमेंट शॉप से लें, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी ब्रांड से, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, और आप इसको यूज करें फॉर सम पैसेज ऑफ टाइम। मेरे क्लाइंट्स में इसके हैरत अंगेज रिजल्ट हैं, उनके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, और इस केस में मैं सप्लीमेंट जरूर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकते हैं। दो कॉजेस पर इस वीडियो में बात करूंगी, फिर हम अगले भी सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे। स्टमक एसिड अगर कम है, क्योंकि स्टमक एसिड की इंपॉर्टेंस में मैं बात कर चुकी हूँ, लीकी गट पे मैं बात कर चुकी हूँ, वो हम करेंगे। बाइल, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी इंडाइजेशन बाइल की वजह से तो नहीं है? आपका लिवर बाइल बनाता है, पित्ता, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, ठीक है, और आपकी आंतों में भी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। खास करके आप खाना जब लेते हैं जिसमें फैट होती है आपके पास, और जब स्टमक में वो फैट जाती है, तो वो सिग्नल आपके पास भेजता है पित्ते को कि अब तुमने स्क्वीज करना है और तुमने बाइल रिलीज करना है, और ये बाइल रिलीज होता है टॉप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, टॉप ऑफ इंटेस्टाइन पे आपके पास रिलीज होता है, जहाँ पे स्टमक से खाने ने फौरन एंटर होना होता है आपके पास, ड्यूडेनम, जिस हिस्से को आप कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी इंडाइजेशन बाइल की वजह से नहीं है? नंबर 1, अगर आपका पित्ता निकल चुका हुआ है तो अगले तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, इसी वजह से आपकी जिस्म में बाइल नहीं बन रहा, क्योंकि गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर करके, स्क्वीज करके रिलीज करना होता है। और ये बाइल बहुत जरूरी है क्योंकि आपके फैट को एमल्सीफाई करता है। एमल्सीफाई मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं फैट पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में, ताकि वो जज्ब हो सके। और आपके पास जितने भी वाइटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, वाइटामिन A, D, E और K, बाइल के बगैर वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हो सके, तो ये इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आपका टेस्ट यहीं से आ जाता है, अगर आपको विटामिन A, D, E या K में से किसी की कमी, या इन सब की कमी तो नहीं है। और तीसरा, आपको क्रॉनिक डायरिया तो नहीं रहता है, जिससे आप पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में, मैं सॉरी एक सिम्टम बताना भूल गई, 8वां, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन निशानदेही करती है। यहाँ पर क्रॉनिक डायरिया आपके पास निशानदेही करता है। 0 से 3 के बीच कहीं भी अगर आपका स्कोर आता है तो बाइल एसिड्स का प्रॉब्लम है। इस केस में आपने गॉल ब्लैडर फॉर्मूला और रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स लेने हैं, उसका इस्तेमाल करना है, और दिनों में आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। गट पर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।